सफलता, कामयाबी, उन्नति, प्रसिद्धि, ये सब किसको अच्छी नहीं लगती। हर कोई सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 100 में से कुछ 2-3 लोग ही सफलता के शिखर तक पहुंच पाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि समान अवसर मिलने के बावजूद भी कुछ लोग उसका फायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग बाकियों की तरह भीड़ का हिस्सा बनकर भीड़ में ही खो जाते हैं? इन सब सवालों का केवल एक ही जवाब है, नशा। जी हां, सही सुना आपने, एक नशा ही है जो सफलता की ओर ले जाता है और आपको भीड़ से अलग करता है। ये कोई मामूली नशा नहीं है, यह है कामयाबी का नशा, जीत का नशा, सफलता का नशा। जो लोग सिगरेट, मदिरा या और कोई नशा करते हैं, उनको पता होगा कि उसकी लत कैसी होती है। अगर आपको एक बार किसी नशे की लत लग जाए तो उसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक वैसे ही अगर आपको सफलता का नशा लग जाए तो जब तक कामयाबी आपके हाथ नहीं लगती, ये नशा नहीं छूटता। सफलता पाना आसान नहीं होता, आपकी राह में बहुत सी मुश्किलें आती हैं और बहुत सी अड़चनें आती हैं। बहुत बार आपका मन भी करता है कि नहीं हो पाएगा, छोड़ देता हूं। उस समय ये कामयाबी पाने का नशा ही है जो आपको आगे चलते रहने की हिम्मत देता है। ये कामयाबी का नशा ही है जो आपका हौसला बांधे रखता है और आपको बिना रुके अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं, सबको एक जैसा वातावरण मिलता है, सेम टीचर्स सबको पढ़ाते हैं, सबको समय भी सेम ही मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उसमें से केवल एक या दो स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो हमेशा फर्स्ट आते हैं, जो हमेशा सबके चहेते होते हैं, जो हर काम में सबसे आगे होते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनमें आगे बढ़ने का नशा होता है, उनमें बाकी स्टूडेंट्स से ज्यादा बेहतर करके खुद की सफलता साबित करने का जुनून होता है। किसी भी चीज को पाने के लिए उसका जुनून होना बहुत जरूरी है, उसका नशा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सफल होने का जुनून नहीं है तो हो सकता है आपकी सफलता की राह में आने वाली पहली मुसीबत पर ही आप हार मान लें, हो सकता है पहली तकलीफ में ही आपका हौसला टूट जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग बाकी लोगों से हटकर कुछ सोचते हैं या उनसे अलग कुछ करते हैं या उनके सपने बाकियों से कुछ अलग करने के होते हैं, तो उन लोगों को हमेशा अपने आप को साबित करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग नया, कुछ अलग या कुछ बड़ा करने का सपना तो देख लेते हैं, लेकिन जब उनको यह सुनने को मिलता है कि ये क्या सोच रहे हो, ऐसा करना तो बिल्कुल असंभव है, ऐसा तुम कभी नहीं कर पाओगे, तो वो पहले ही हार मान लेते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये मानव प्रकृति है कि जब भी कोई सफलता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव ही है कि अगर वो खुद आगे नहीं बढ़ सकते तो वो किसी और को भी आगे नहीं बढ़ने देते। दूसरों की कामयाबी और सफलता से उनको जलन होने लगती है और वो उसे असफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। परंतु इन सब अड़चनों के बाद भी जो ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, वो केवल इस वजह से कि उनको उस ऊंचाई तक पहुंचने का जुनून सवार होता है। कोई कुछ भी कहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सफलता के नशे में होते हैं। उन्हें कामयाबी की नशे की इतनी लत लग चुकी होती है कि फिर कोई चीज उन्हें नहीं रोक सकती।
तो दोस्तों, अगर आप भी सफल होना चाहते हो, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपने इरादों में कामयाब होना चाहते हो, तो नशा करो, कामयाबी का नशा। जिस दिन आपको कामयाबी का नशा हो गया, उस दिन आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता।